द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आटल थिंग कार फर्स्ट लव अगर आपने इससे कह अभी तक बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो आई होप आप उसे देख ही लेंगे सो लेट्स द एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम यहाँ पर रिचाओ को देखते हैं जो कि यूए को पटाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था यहाँ पर वो ड्रिंक लेकर आता है और कहता है एक तुम्हारे लिए दरअसल वो एक्स्ट्रा आ गई थी मैं एक लियांग के लिए लाया था बट मुझे लगा तुम भी थोड़ी सी परेशान एन अदास होगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया वैसे तुम्हें पसंद आएगी तभी यूए कहती है कि हे भगवान इस इंसान को मुझसे दूर ले जाओ तभी लियांग बाहर मियामा को देखता है जो कि अकेले खुद से ही बातें कर रही थी दरअसल यहाँ पर म्यामियों के पास कुछ मूवी टिकट्स थे और वो इसे लियांग को ऑफ़र करना चाहती थी और वो लियांग के साथ मूवी देखने जाना चाहती थी बट उसकी हिम्मत नहीं होती इसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है जब वो प्रैक्टिस करी रही होती तभी लियांग अचानक से उसके पीछे से टपक पड़ता है और कहता है कि तुम किसका प्रैक्टिस कर रही थी तो ये कहती है कि वो दरअसल ये चाहती थी कि क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे दरअसल ये कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं है आपने मेरी इतनी हेल्प की है मेरे मॉडल बने आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में इसलिए ये बस एक छोटी सी ट्रीट है उसके बाद

तरह से कॉलेज में परेड के लिए किसी मेन लीडर को चूज किया जाता है मियामी की दूसरी वाली जो रूममेट है उसे चूज कर लिया जाता है जो वहाँ पर जो प्रोग्रामर है उसका ऑडिशन लेते हैं चिन्ह भी उसमें पार्टिसिपेट करती है पर वो जितना अच्छा नहीं करवा बाद बाद। जाने लगती है तभी वही लड़की यहाँ पर काई के पास जाती है और वो काई को ड्रिंक ऑफर करती है तभी काई कहता है नो थैंक्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम अपना रास्ता पकड़ो यार और जाओ यहाँ से तभी इस श्रीन दोनों को साथ देखती है तो उसे रान ही जाता उसके बाद वो गुस्से में आ ही जाती है और कहती है इसकी हिम्मत कैसी हुई काय से बात करने की तभी मियाँ म्याओ और उसकी फ्रेंड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई बीच में मत कूद अगर ऐसे जाएगी तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड रहेगा ये दोनों राइवर एक दूसरे को घूर घूर कर देख ही रहे होते हैं तभी गलती से गलती से ये दोनों ही गिर जाते हैं तीनों को चोट लगी थी मियाओ शेन और वो दूसरी तो लड़की यहाँ पर जब काई ये सब देखता है तो भाग कर सीधा मियामिया के पास होता है शेन के पास नहीं जाता मैं पहले बता दू तभी म्यामिया कहती है तुम शेन के पास जाओ ना जल्दी से इसके बाद वो शेन के पास जाते हैं इसके बाद उसे खड़ा करता है और वो कहता है तुम ठीक तो ना तो कहती है कि उसके पैर में दर्द है और वो चल नहीं सकती काई उसे कैरी कर कर काई उसे कैरी कर डॉक्टर के पास ले जाता है तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पैर में थोड़ा दर्द है वो सही ठीक हो जाएगा तभी वो कहती है क्या मेरी हड्डी टूट गई पैर की तभी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो मैंने नहीं बोला तभी तभी यहाँ पर शिन कहती है पर मुझे ऐसा फील हुआ काई प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तभी काई कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा प्रोफेसर जाकर मियामिया को पकड़ती में में का है।, है, है, तो है, है, है और प्रैक्टिस करते करते के सर में वो मार देती है इसके बाद लियांग कहता है तुमने गलती से मारा या जानबूझ कर ती वो लियांग का सर देखती है और कहती है कि आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी नहीं आप पागल वागल हो जाओ मतलब एक ही इट से सीधा पागल तभी वो कहता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम प्रैक्टिस करो ये को पता था कि शायद यू ए कहीं ना कहीं लियांग को पसंद करती है इसके बाद वो लियांग के पास आता है और कहता है कि तुम म्यामा के लिए कभी ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो तो ये कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो तो यू कहता है कि मुझे पता है कि तुम म्यामा को पसंद करते हो क्या तुम्हें तो लगता है कि तुम को शिन की तरह एंड अपनी एज सिस्टर की तरह ट्रीट करते हो और अपने आप से पूछ कर देखो मुझे ही लगता है मुझे तो कुछ बड़ा झूल लग रहा है तभी लियांग कहता है तुम पागल हो रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है काई फर्जिश्स सिन से मिलता है यहाँ पर शेन अपना सामान ले जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ कर रही थी इसके बाद काई उसकी हेल्प करता है उसे पकड़ कर उसकी जगह पर छोड़ देता है तभी वो कहती है कि मेरा वेट करना मैं अपना इंटरव्यू देख तुम्हारे साथ ही चलूँगी तभी काई कहता है कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूँगा म्यामिया प्रैक्टिस करते करते अपना भाला कहीं पे भूल जाती है इसके बाद उसे ढूंढती है तो एक पेड़ पर लटक चुका था इसके बाद उसे उठाने के लिए होती है पर पर वो इतनी लंबी नहीं थी लियांग उसकी आकर उसे हेल्प करता है और उसे ऊपर कर देता है तभी ये सीन काफ़ी रोमांटिक होता है दोनों का माहौल तो ऐसा बनता नहीं है दोनों को लगता है शायद वो एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं बट म्यामिया ज्यादा ही रोमांटिक है वो जरूर रोमांटिक हो जाती है म्या मिया को वहीं पर एक पप्पी मिलता है जैसे वो लेकर अपने डॉम में आ जाती है यहाँ पर उसकी रूममेट ऐसी अलाउ नहीं करती और कहती है कि ये क्या जाती है तो मैं ऐसे फालतू के बेकार से कुत्तों को घर पर नहीं लाना चाहिए तभी यहाँ पर शेन उसका वीडियो बना लेती है अगर और वो कहती है अगर तुमने इसे उठाकर फेंक आना बाहर तो मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगी और सबको बता दूंगी तुम जानवरों को बुली करती हो ये सब नहीं कर पाती बिकॉज शिन ने उसका सारा काम खराब कर दिया था लेकिन वो भी ऐसे जल्दी हार नहीं मानने वाली थी उसे पता था कि शिन दरअसल नाटक करिए ताकि काई उसके साथ रहे और उसकी हेल्प करे तब काई कोई मैसेज मिलता है कि शेन दरअसल नाटक कर रही है शिन से पूछता है कि यार तुम्हें जान बुझके कर रही हो तुम्हें पता है ना वो लोग चीटिंग करते हैं उनसे नफरत है तभी वो कहती है

कंधे पर से रखते हुए काफी अच्छा फील करता है जो कि उसने तब फील नहीं किया था जब शिव ने उसके कंधे पर सिर रखा था मतलब वो सच में म्या म्या को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है इसके बाद वो मेरन में खुद को म्या माँ को देखता है और कहता है कि आज मुझे रात के साढ़े नौ बजे पता ये चला कि मैं म्या मिया को सच में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ एंड अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे अपनी ट्रू फीलिंग्स का पता चल गया है इसके बाद फाइनली मियमाियाओं अपनी परफॉर्मेंस देती है और यहाँ पर लियांग भी उसे देखने के लिए आता है इसके बाद लियांग से काफ़ी सारी फ़ोटो खींचता है यहाँ पर म्यामियाओं का हेयर स्टाइल उस दिन के बाद चेंज हो जाता है और उसके बाल कर्ली से सीधा स्ट्रेट हो जाते हैं यहाँ पर वो अब वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तो लगने ही लगी थी इसका सभी फ्रेंड्स फ़ोटो देखती हैं और कहती हैं कि लियांग ने तुम्हारी काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची है म्यामियाँ तुम तो बिल्कुल सुपर स्टार बनती जा रही हो तभी म्याओं कहती है कि बस ऐसे मुझे चढ़ाना बंद करो लियांग ने मेरी फ़ोटो खींची है अब तो यही बहुत है टीचर लियांग से कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है भले ही वो क्लास में सबसे अच्छा हो बट तो मुझे लगता है तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए भले क्लास में वो सबसे अच्छा क्यों ना हो इसके बाद लियांग कहता है कि वो पूरी मेहनत करेगा अब वो दैट अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कॉलेज की रूप टॉप पर चला जाता है यहीं पर व्यांग में अपनी पप्पी को लेकर वहीं पर आती है बिकॉज स्कूल में पप्पी लाना अलाउड नहीं था और उसे पप्पी का ख्याल भी रखना था इसके बाद उसे वहीं पर रख देती है यहाँ पर लियांग भी उसे देख रहा होता है तभी वो लियांग को अचानक से देखकर डर जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर कब आए तो वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि म्या मिया ने उसे पप्पी का नाम भी न्यान रखा है चूँकि उसके नाम से काफ़ी ज़्यादा मेज खाता है इसके बाद वो कहता है कि न्यान वो कहती है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ना तो वो कहता है कि हाँ क्यूट है उसकी मॉम रेडियो सुन रही होती है और यहाँ पर उनकी अकेडमी का न्यूज़ आ रहा था उन्हें अभी अभी एक अभी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था इसमें वो मेन लीडर थी और वो अब फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट है ये सब सुनकर तो मॉम को एकदम झटका लगता है और कहती है कि आर्किटेक्चर से सीधा फैशन डिजाइनिंग हाउ इट कैन बी पॉसिबल इसके बाद उसकी छोटी बहन से कहती है कि अब देखना मियाँ मामा को घर आने दो उसकी तो अच्छी क्लास लेती हूँ मैं इसके बाद जब मियां मियाँ घर आती है तो उसकी मामाओं से बात नहीं करती और कहती है कि तुम कुछ भी डिसीजन लेते रहो बट तुम्हें मुझे बताना जरूरी नहीं है तभी वो कहती है कि मॉम अब मैं बड़ी हो गई

पहले ही वो अपनी मोम को भी काफी ज्यादा प्यार करता है बाद अपनी मॉम से पूछता है कि डैड कहाँ पर गए तो ये उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड बिजनेस में काफी ज्यादा बिजी थे और उसके बाद उन्होंने कभी टाइम नहीं निकाला वो हम दोनों को छोड़कर चले गए उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए गाय को पता चला था कि उसके डैड दरअसल उसी की यूनिवर्सिटी में डिलीवरी का काम करते हैं मतलब वो कुछ ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं करते वो डिलीवरी का काम करते हैं जो की काफी कम पैसे देता है इसके बाद वो काफी ज्यादा डाउन फील करता है वो म्यामा को कॉल करता है तभी म्यामा घर से बाहर निकल के आती है या पर उसकी मॉम उसकी छोटी बहन झाँक कर देखते हैं कि आखिर है कौन है तब उसकी छोटी बहन बताती है कि ये जो इसके आर्ट टीचर थे ना उन्हीं का छोटा बेटा है मतलब लियांग का छोटा भाई तभी उसकी मॉम कहती है कि हैंडसम तो है बट मुझे क्या पता तभी जब काय इन दोनों को देखता है तो ये दोनों छुप जाती हैं और काय से सॉरी बोलती है और, और कहती है कि सॉरी वो मेरी मॉम्स कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर जाती है मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी रहती है सबको देखने की आई एम सॉरी तो वो कहता है की आम मैं समझ सकता हूँ कि मॉम सभी की ऐसी होती हैं अब दर्ट का भी सारी व था म्यामा को कैसे सुनाता है कि वो कितना ज्यादा बुरा फील करता है वो अपने डैड को अभी याद करता है।, तभी भी उसे करने पूरी कोशिश करती है और कहती है कि मत करो, सब ठीक जाएगा। तो मेरे लिए उसके डैड को कॉल करूंगी तभी मियां मियां उसके को करती है। और कल मिलने के लिए बुलाती है उस, जो उसे किया था, वो काफी बुरी हालत में था तो उसे एक्सचेंज करना चाहती थी ऐसा उसने कहा था इसके बाद वो कहते है ठीक है वो कल सुबह आ रहे हैं उसके डैड डिलीवर करने के लिए आते हैं तो उन्हें मिया माँ तो नहीं मिलती बट काई जरूर मिल जाता है तभी काई उनसे बात करने की कोशिश करता है दिक्कत का खुश होते हैं और कहते हैं क्या तुम तो ठीक हो तभी का सारी बात पूछने लगता है और कहता है कि आप हमें चले गए? और आप अभी ऐसी डैड गलती से भाई 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 बड़े वाले तालाब में गिर जाते हैं तभी काई भी उन्हें बचाने के चक्कर में तालाब में गिर जाता है यहाँ पर दोनों को ही तैरना नहीं आता इसके बाद सारे लोग आस पास जमा हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं कि कोई को बचाओ यहाँ पर लियांग भी अपनी साइकिल में बैठ आ रहा था इसके बाद वो भी नदी में छलांग लगा देता है और इन दोनों दोनों को बचा लेता है। जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो लियांग से थैंक यू बोलना चाहता था बिकॉज लियांग ने आज उस पर इतना बड़ा एहसान जो किया था यहाँ पर लियांग अपने कपड़े चेंज कर लेता है और वो वही वाली शर्ट पहना है था जो कि म्या उन्हें उसे गिफ्ट की थी जो कि उसने खुद बनाई थी तभी काई काई फाइनली उसे थैंक यू बोलता है लियांग कहता है अच्छा तो तुम तो मुझे थैंक यू बोल रहे हो अपनी लाइफ सेवियर को वो भी इतनी रूट तरीके से और कहता है कि ठीक है बस यहाँ से जाओ मुझे अब कोई और बात नहीं करनी इसके बाद लियांग उसे मारने के लिए होता है काई टरकर वहाँ से भागने लगता है और इसके बाद हम समझ सकते हैं इन दोनों की नाराजगी अब टोटली जा चुकी थी ये पहले की तरह फ्रेंड बन चुके थे जो कि कभी भी नहीं लड़ेंगे लियांग और म्यामियाँ एक साथ वापस घर आते हैं तभी म्यामियाँ काफ़ी ज्यादा परेशान थी लियांग को लेकर बिकॉज उसका फ़ोन नहीं लग रहा था तभी वो उसे सारी बात नहीं बताता बस वो एक बता देता है वो थोड़ा बिजी था इसलिए इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया यहाँ पर जब म्यामिया के घर में एंटर करता है तो यहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर सरप्राइज होती है और कहती है कि मेरी बेटी के पीछे दो दो लड़के पड़े हैं वो भी हैंडसम हैंडसम से चलो देखते हैं किसका नंबर लगता है यहाँ पर जब लियांग अंदर एंटर करता है तो देखता है कि जिस कपड़े से ये शर्ट बनी है उस कपड़े का हर जगह यूज़ मियाँ के घर में हो चुका है यहाँ पर सजावट के तौर पर और साथ में डब्बों पर कवर चढ़ाने के लिए उसकी मोम ने हर जगह उसका यूज़ किया है तभी मियाँ मियाँ यह सब देख कर एम्बेस होती है और कहती है कि हम सॉरी बचे हुए कपड़े से मेरी मोम ने अपने घर की सजावट भी कर ली और ये सब कर दिया तभी लेंग कहता है कि कोई बात नहीं है और उसकी मोम लियांग से कहती है तुम खाना खा कर जाना तभी ले कहता है कि नहीं आंटी मैं अभी जा रहा हूँ दरअसल मुझे थोड़ा काम है तभी वो कहती है कि वापस आना ज़रूर तभी उसकी छोटी बहन उसकी मोम से कहती है कि आप किसे चूज़ करोगी छोटे वाले भाई को या बड़े वाले को तभी उसकी मॉम कहती है कि ये लियांग काफ़ी ज़्यादा जेंटल है और काफ़ी स्वीट भी है बात करने में मुझे तो यही पसंद है तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि हाँ मुझे भी उसके बाद लियांग और काई साथ क्लास में बैठे होते हैं तभी यहाँ पर ये चा आता है वो यूए पर लाइन मारता है यहाँ पर वो लियांग के पास आकर बैठता है और कहता है क्या तुम तो मेरे साथ चलोगे तभी कहता है कि नहीं मुझे तो भाई ड्रिंक भी नहीं चाहिए इसके बाद वो ड्रिंक यहाँ पर काई को फिका दे देता है तभी काई कहता है कि हाँ मैं भी नहीं जाऊँगा तभी कहता है कि क्या तुम दोनों यूनिट हो गए सब कुछ खत्म हो गया तुम मतलब दोस्त दोस्त सब कुछ खत्म तभी वो दोनों कहते हैं कि हाँ भाई सब कुछ खत्म इसके बाद वो इन दोनों के बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि अब हम तीनों फिर से फ्रेंड बन गए हैं तो हमें बास्केटबॉल खेलना चाहिए तभी दोनों मना कर देते हैं तभी तुम दोनों मुझे भी अपनी भाई की तरह ट्रीट कर लिया करो यार मैं तुम मैं तुम्हें तुम पर जान छिड़ रखता हूँ पर तुम मुझे कुछ मानते ही नहीं हो हम ही भरते हैं कि हाँ बिल्कुल कुछ नहीं मानते का बर्थडे होता है तो आज बर्थडे प्लानिंग चल रही होती है तो सभी इसके लिए तैयारियां कर रहे थे सिवाय काय को ही नहीं पता था यहाँ पर लियांग और मिया मिया इसके लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तभी लियांग सब कुछ शॉपिंग कर रहा था और ये काफी बजट से आगे जा रहा था इसके बाद ये दोनों एक मुकाबला करते हैं जो अपनी आंखें बंद करेगा वो हार जाएगा तो चीटिंग से लियांग को हरा देती है और इसके बाद वो कहती है कि जी होगा जो मैंने कहा है मतलब सारा सामान बजट के अंदर ही आएगा कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए कल को पता चलता है कि उसके डैड पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है इसके बाद वो उस कर्जे को उतारने के लिए पूरी मेहनत करता है क्योंकि उससे कैसे भी खूब सारे पैसे मिल जाएं और अपने डैड का कर्जा उतार दे और उसे पता चलता है कि स्कॉलरशिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है मतलब इतनी ज़्यादा तो है कि खर्चा चल जाए बट उसके डैड का कर्जा चुकाने के लिए काफ़ी नहीं है इसके बाद जब वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में रात में एंटर करता है तो यहाँ पर म्यां म्यां खेली रहती है इसके बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी तभी वो म्यांमाओं से कह देता है कि उसे बर्थडे मनाना पसंद नहीं है तो कहती आई एम सॉरी बट हम सभी ने काफी दबा तैयारियां की हैं यहाँ पर जब वो गिफ्ट देखता है तो इसमें एक बास्केटबॉल बॉल रहती है जिसको शेन ने उसके लिए तैयार किया था और उसे इस कंपनी की का पसंद थी। तभी वो म्यामा को थैंक यू बोलता है तभी कि मुझे बोल उसे बोलते उसके पास आती है इनका बर्थडे का भी सेलिब्रेट हो रहा था बट काय का ध्यान तो पूरा पूरा म्यामा पर था ये सारी तैयारियां दरअसल के कहने पर ही हुई थी बट उसका शिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था इसका ड्रंक होकर म्यामा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं। तभी म्या कहती क्या तभी वो नशे की हालत में उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है कि श्या म्याओ आई लाइक यू इसके बाद क्या था शिण का रोना स्टार्ट हो जाता है और भाग कर वो उस प्रोग्राम को छोड़कर चली जाती है, 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 है और वो काई को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है नो मैटर वर्ट बट वो काई को नहीं छोड़ सकती इसके बाद उसे पता था कि शेन क्या फील कर रही थी पर शेन उसे धक्का देकर चली जाती है पर जिस तरह से वो हर्ट हो रही थी उसकी कोई सीमा नहीं थी इसके बाद म्याम को वहीं पर छोड़कर चली जाती है मिया मिया भी इस बात से काफी हर्ट होती है बिकॉज एक दिक्कत की वजह से इन दोनों की दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही थी भाई तो आराम सो जाता है लियांग उसे देखता है और कहता है कि ये तो सो गया बट मिया मियाँ और शेन तो पूरी रात सो ही नहीं पाएंगे ये तो मुझे पता है इसके बाद जब एक सुबह उठता है तो यहाँ पर लियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है उसे लात मारते हुए कहता है कि भाई उठ जा और उसके रात के बवाल के बारे में उसे बताता है कि उसने क्या क्या था कहता है कि पहले नशे की हालत में हुआ हो पर वो मियामो को पसंद करता है तभी लियांग कहता है कि वो भी मियामो को पसंद करता है यहाँ पर इन दोनों को पता चल गया था कि इन दोनों का क्रश दरअसल एक ही लड़की पर है इसके बाद लियांग भी कुछ नहीं कहता और कहता है कि अपना ब्रेकफास्ट खाओ और चिल करो पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में बट हमारी दोस्ती अब कभी नहीं टूटेगी एक लड़की के लिए तो नहीं टूटेगी यार

क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि काई मुझे दे गया था ताकि मैं अपने चुका सकूं बट मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बेटे की कमाई उड़ाने में रेड लगूंगा इसलिए प्लीज तुम उसे वापस कर देना तो यही शिंग से कहते हैं तुम काफी बड़ी हो गई हो पर सिंह एक दरअसल कुछ भी भाव नहीं दी थी और कहती है की प्लीज हम मुझसे दूर रहे और काई से भी मुझे नहीं लगता कि आपको उससे मिलना चाहिए बिकॉज वो काफी हर्ट है जब आप उसे और उसकी मोह को छोड़कर चले गए थे तभी उसके डैड कहते हैं कि वो इस बात पर हमेशा शर्मिंदा रहेंगे और इसी के साथ हमारा ये पार्टी भी खत्म हो जाता है